Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends. So, आज हम बात करने वाले हैं इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है और इन दोनों में मेजरली डिफरेंसेस क्या क्या है. ये हम जो वीडियो बना रहे हैं स्पेसिफिकली इसी कारण से बनाया गया है कि बहुत बार देखा गया है क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि प्लीज 6 डिफरेंसेस बताइए हमको इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रिफरेंस शेयर कैपिटल के बीच में. इतना ही नहीं, आगे इस चैप्टर में हम बहुत सारे डिफरेंसेस पढ़ने वाले हैं, उनके लिए मैं अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंसेस के साथ में डील कैसे करना है और उनका आंसर कैसे लिखना है. डिफरेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आगे आपको शेयर डिबेंचर के बीच में, राइट इश्यू बोनस इश्यू के बीच में, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में, ये सब डिफरेंसेस आपको इस चैप्टर में मिलेंगे. सबसे ज्यादा डिफरेंसेस इसी चैप्टर में है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर में, उसमें पहला डिफरेंस आज हम देखने वाले हैं. तो दोस्तों इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है वो हमने देख लिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी क्या है वो हमने देख लिया है. पहला डिफरेंस जो आपको दिखेगा वो है डेफिनेशन का डिफरेंस. डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी कि प्रेफरेंशियल राइट्स जिनको मिला हुआ है ओवर इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब कि जो डिविडेंड का जिनको एक्स्ट्रा राइट मिला हुआ है कि हमेशा उनको मिलेगा, जिनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का एक्स्ट्रा ध्यान दे रखा है कि उनको सबसे पहले रीपेमेंट होगा इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है. और इक्विटी शेयर कैपिटल की तो डेफिनेशन ही उल्टी बनाई है, यानी कि नेगेटिव बनाई है कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है वो इक्विटी शेयर कैपिटल है. सो जितने आपको स्लाइड में शीट के अंदर डिफरेंसेस दिख रहे हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही सही, उसके अलावा एडिशन आपको 2-3 कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है और किसमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए. सो पहला जो डिफरेंस है वो हमने डेफिनेशन के बेसिस पे देख लिया है, DTA ऐसे याद रखिएगा डेफिनेशन. दूसरा है टाइम. अब टाइम के बेसिस पे यानी कि टाइम यानी कि किस किस समय कितने टाइम का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है. देखिए So, दोस्तों जब टाइम की हम बात करेंगे सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा टाइम यानी कि उनको पेमेंट कब किया जाएगा, उनका नंबर उनका समय हमेशा चालू होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बाद में. और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इमीडिएटली जैसे ही सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाती है तो उनका टाइम पहले चालू हो जाता है, उनको प्रेफरेंस मिलती है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स. और इक्विटी शेयर होल्डर को आफ्टर प्रेफरेंशियल कैपिटल के बाद में उनको पेमेंट किया जाएगा. ओके, सो ये सेकंड पॉइंट हुआ हमारा टाइम का. नाउ मूविंग ऑन टू द अमाउंट. तो अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर का फिक्स्ड है ही नहीं ना, जैसा कि हमने देखा है कि उनको फिक्स्ड अमाउंट नहीं मिलता, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड हर साल मिलता ही मिलता है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. वो तो हमने पॉइंट पढ़ ही चुके डेफिनेशन में कि जब भी वाइंडिंग अप होगा तो रीपेमेंट जो होगा वो प्रायोरिटी बेसिस पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका रीपेड पहले किया जाएगा और इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में किया जाएगा. सो पहला पॉइंट हमने डेफिनेशन का देखा वो हम लिख देंगे, टाइम का हमने देखा, अमाउंट हमने देखा और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कैसे होता है वो हमने देखा. अब बचे हुए 2-3 पॉइंट और देखते हैं. So, दोस्तों अगला जो पॉइंट आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वोटिंग राइट्स से रिलेटेड पॉइंट है, यानी कि वोटिंग राइट्स किसको कितने मिले हुए हैं. तो ये बहुत ही क्लियर कट चीज है, इक्विटी शेयर होल्डर हमेशा बेनिफिट में रहते हैं ओवर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं. यस, दे आर एंटाइटल्ड टू वोटिंग राइट्स, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू द वोटिंग राइट्स. इसके बाद में अगर हम बात करें तो रिडेम्पशन, यानी कि क्या जो आपने इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू किया है वो आप रिडीम कर सकते हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या वो रिडीम कर सकते हैं. तो इनका डिफरेंसेस ये होगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल कभी भी रिडीमेबल नहीं होता है, दे आर ऑलवेज इररिडीमेबल, मतलब कि कंपनी कभी भी इक्विटी शेयर को पैसा जो दिया है वो वापस नहीं दे सकती है, बराबर है. पर प्रेफरेंस शेयर के साथ में ये उल्टा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमेशा रिडीमेबल होता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो कंपनीज फिक्स करती है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कितना टाइम पीरियड है, 20 साल का और 30 साल का दो केसेस है. तो वहां पर रिडीमेबल होते ही होते हैं, पर वो कंपनी को वापस शेयर जाते हैं. इक्विटी शेयर के केस में होल्डर्स अपने आप में एक्सचेंज ट्रांसफर्स करते हैं जो हम स्टॉक एक्सचेंज पे देखते हैं. इससे रिलेटेड एक और डिफरेंस मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा. सो ये हमने देखा रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स रिलेटेड, वोटिंग राइट हमने देख लिया है. अब इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है
बोनस एंड राइट इश्यूज, यानी कि बोनस और राइट इश्यूज के लिए कौन एंटाइटल्ड है, किसको मिल सकते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस एंड राइट इश्यूज मिल सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस राइट इश्यू नहीं मिल सकते हैं। लास्ट पॉइंट आएगा अरियर्स ऑफ डिविडेंड का। सर अगर क्या होगा कि एक साल डिविडेंड नहीं मिला है तो क्या वो डिविडेंड जो नहीं मिला है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में मिल जाएगा, ये बोल के कि पिछले साल का जो है एक्यूमुलेट होते गया और आपको अब मिल सकता है? नो, दिस इज द ओनली केस वेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स को नुकसान है, यानी कि अगर एक साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए लैप्स हो जाएगा, मींस इक्विटी शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू द पास्ट प्रीवियस ईयर्स डिविडेंड जो एक्यूमुलेट हो चुके हैं। तो अरियर्स और डिविडेंड जैसी चीज इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए नहीं होती है, अनलाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ परसेंटेज हमेशा कर रखा है, उनको उतना अमाउंट हर साल मिलना ही मिलना है। तो जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है उनको तो हर साल जो एक्यूमुलेट होते जाता है वो अरियर्स और डिविडेंड एक साथ मिल जाता है, पर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है उनके साथ में ऐसा नहीं होता है। ओके दोस्तों, सो अगर हम पूरा इसको समराइज करें तो सबसे पहले हमने डीटीए करा, डेफिनेशन पढ़ा, टाइम देखा, टाइम में क्या है इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रायोरिटी के ऊपर। ए पे हमने अमाउंट देखा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिला हुआ है फिक्स्ड अमाउंट और इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिला हुआ है। उसके बाद में हमने देखा कि अगर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल होना है, वाइंडिंग अप का केस होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब पूरा प्रॉफिट जितना भी इकट्ठा होता है वो सब बट जाता है इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उसके बाद में जितना भी प्रॉफिट बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। इस वाले केस में फायदा भी होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, हर साल जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट होता है। So, ये देखा हमने रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने देखा था, वोटिंग राइट्स प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं मिले हुए, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिले हुए हैं। अगर आप बात करेंगे रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल की, तो इक्विटी शेयर हमेशा इररिडीमेबल होते हैं, कंपनी वापस नहीं ले सकती है, बट प्रेफरेंस शेयर उल्टे होते हैं, वो हमेशा रिडीमेबल होते हैं। इसके बाद में राइट्स और बोनस इश्यू के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो मिलेंगे, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो राइट नहीं मिला हुआ है। एंड एट लास्ट अरियर्स ऑफ डिविडेंड इक्विटी के लिए नहीं है, प्रेफरेंस के लिए यस है, बट ओनली इन द केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब दोस्तों, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जिनका इक्विटी शेयर्स होते हैं, वो तो स्टॉक एक्सचेंज पर मार्केट पर ट्रेड हो सकते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट पर कभी भी ट्रेड नहीं होते। इक्विटी शेयर्स तो आपस में लोग ट्रांसफर्स कर सकते हैं, ट्रांसमिशन हो सकता है, मार्केट पर उनका सेल और बाय होता है। प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट पर सेल बाय नहीं होता है, वो वापस कंपनी के पास ही जाते हैं और उसका टाइम पीरियड जैसा कि मैंने आपको कहा था बताऊंगा, प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो 20 ईयर्स के पीरियड तक आपके पास में रहते हैं, फिर वो रिडीम करना पड़ता है और ये पीरियड 30 साल तक भी एक्सटेंड हो सकता है, बट 21st ईयर से लेकर 30th ईयर के बीच में आपको मिनिमम 10% तो रिडीम करना ही पड़ेगा, ऐसा ये प्रोविजन है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रिलेटेड। सो पहला पॉइंट मैंने आपको क्लेरिफाई किया है कि इक्विटी शेयर्स मार्केट पर ट्रेड होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा कंपनी के पास वापस जाते हैं, उनका जो टाइम पीरियड है वो 20 इयर्स का है, विच कैन स्ट्रेच टू 30 इयर्स, बट 21st 30 ईयर्स के बीच में आपको 10% तो आपको रिडीम करना ही पड़ेगा। अगर हम एग्जांपल ले एक बहुत ही अच्छा जिससे हम समझना चाहेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को और डिबेंचर्स को, तो डिबेंचर्स को ना आप एक एग्जांपल में ऐसा समझिए कि डिबेंचर होल्डर्स ना हमारे गेस्ट है, ठीक है, और जो हमारी मम्मी है, हमारी मॉम है, वो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है, और उसके बाद में जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो या तो चिल्ड्रन है या फिर हस्बैंड है या फिर फादर है। अब स्टोरी कैसी है कि जब मम्मी खाना बनाती है तो सबसे पहले खाना किसको दिया जाता है, वो दिया जाता है डिबेंचर होल्डर्स को, यानी कि जो गेस्ट आए हैं उनको बोला जाता है कि आप खाना खाइए। उसके बाद में जो नंबर आता है वो पापा का आता है, बच्चों का आता है, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको प्रायोरिटी मिलती है, और एट लास्ट जितना भी खाना मिलता है वो सबसे ज्यादा फायदा मम्मी का होता है, क्योंकि वो सभी का सभी खाना मम्मी का होता है जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में होता है, जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है वो उनका होता है और वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इनमें कौन सा क्या हमको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए वो आप पर इंडिविजुअली डिपेंड करता है, क्योंकि जहां देखें हम वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं तो वहां पर प्रेफरेंस शेयर्स को फायदा मिला हुआ है कि उनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अर्निंग्स हर साल मिलता है, वहां रिस्क कम है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ में रिस्क ज्यादा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ में कम है। वहीं वोटिंग राइट्स मिलते हैं पर प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं।
अब अगर आप एक और डिफरेंस इसमें ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल सा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल के जो टाइप्स होते हैं वो हमने पढ़ा है, इक्विटी शेयर कैपिटल के जो भी ऑथराइजेशन होते हैं, फिर उसके बाद में पेड अप कैपिटल होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। सो अगर हम प्रिफरेंस शेयर कैपिटल का हम डिफरेंसेस समझेंगे तो वहां पर हम एक टाइप ये भी लिख सकते हैं कि प्रिफरेंस शेयर कैपिटल के टाइप्स होते हैं जैसे कि क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर्स। अगर हम बात करें कि वो एक्यूमुलेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो वो क्यूमुलेटिव वाले तो हो सकते हैं पर नॉन क्यूमुलेटिव वाले नहीं हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम दो तीन टाइप्स और देखें तो जैसे कि वोटिंग राइट जिनके पास में होते हैं तो उनको हम इस बेसिस पर करते हैं कि जिनके पास वोटिंग राइट्स है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं और नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। और उसी के साथ में अगर हम तीसरा देखें तो रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल तो हमने पढ़ी लिया है, ऐसा अलग अलग तरीके का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकता है। ओके सो दोस्तों ये डिफरेंसेस हमने देखे हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल के बीच में, डेफिनेशन, टाइम, अमाउंट, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल जब होगा तब क्या डिफरेंसेस होंगे, उसके अलावा हमने देखा रिडम्पशन ऑफ शेयर्स कैसे हो सकता है, वो दोनों के केस में डिफरेंस क्या है, वोटिंग राइट्स किसको मिले हुए हैं किसको नहीं मिले हुए हैं, इसके अलावा क्या अरियर्स और डिविडेंड किस वाले केस में हो सकता है किस में नहीं हो सकता है, एंड राइट्स एंड बोनस इशू के केस में क्या है, ये डिफरेंसेस दोनों के बीच में है। आई होप आपको ये समरी वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ये आठों पॉइंट्स आप अच्छे से रिवाइज करिए, मेमोराइज कीजिए, आपको याद हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये हमने देखा डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, तो वो हमको देखना ही होगा, ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस आपको आगे मिलेंगे, वो हम एक एक वीडियो में देखते जाएंगे। सो अगर आपने ई क्यूआई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।